हेलो फ्रेंड्स, क्या हाल चाल है जी आप लोगों के। आई होप सो सब बढ़िया होंगे। चलिए अब अपनी रिवीजन सीरीज को कंटिन्यू करेंगे, आगे बढ़ाएंगे। आज के जो हमारे टारगेट है दैट इज टू टॉपिक्स, हायर परचेज एंड AS10। मैंने लास्ट क्लास में आपको बोला था, लास्ट वीडियो में आपको बोला था कि भाई ये दो टॉपिक्स पढ़ के आना। आई होप सो थोड़े बहुत इसको ओवरव्यू आपने लिया होगा, थोड़ा बहुत आपने देखा होगा किस तरीके के यहाँ से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और क्या इसका हल्का फुल्का कंसेप्ट है। उसी कंसेप्ट को हम अब रिवाइज करेंगे। अगर आप इस चैनल पे नहीं है, सबसे पहले तो इस चैनल को जाकर सब्सक्राइब कर दीजिए और प्रेस द बेल आइकन सो दैट आपको लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती चली जाए। और अगर अभी तक आपने कोई भी वीडियो नहीं देखी है तो ऊपर आई बटन में आपको वीडियोस का लिंक मिलेगा, तो गो एंड चेक आउट दोस वीडियोस। अभी तक जो हमने चैप्टर रिवाइज करे है दैट इज सिंगल एंट्री। सिंगल एंट्री के बाद हमने एक AS2 कर लिया, AS12 कर लिया, प्री एंड पोस्ट इनकॉर्पोरेशन कर लिया और रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस कर लिया। ये टॉपिक्स हम रिवाइज कर चुके हैं, तो अगर आपने नहीं देखे तो आई बटन में आपको सारी प्लेलिस्ट मिलेगी, उसमें जाकर आप वीडियोस को चेक कर सकते हैं। चलिए जी, ज्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए हम अपने टॉपिक को बढ़ाएंगे, दैट इज हायर परचेज। सबसे पहले स्टार्ट करेंगे हायर परचेज। एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, इसमें से क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा लगभग 8 से 10 नंबर का। ठीक है जी, अब देखिए ये तीन चैप्टर अब जो आपके आएंगे, हायर परचेज, इन्वेस्टमेंट अकाउंट एंड इंश्योरेंस क्लेम, ये तीन चैप्टर आपको अच्छे से करने हैं, क्योंकि इनमें से इन तीनों में से एक एक क्वेश्चन आएगा, क्योंकि इन तीन चैप्टर की वेटेज इंस्टीट्यूट ने रखी है 20 से 25 नंबर की। तो मैं मान के चलता हूं इन तीन में से आपको दो क्वेश्चन या तीन क्वेश्चन, तीनों में से एक एक क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा। अच्छे से करके चलिएगा इन तीन चैप्टर को। जब हमारी लास्ट क्लास होगी तब मैं आपको ये भी बताऊंगा कि आपको रिविजन दोबारा किस हिसाब से करना पड़ेगा। ठीक है जी, चलिए सबसे पहले हम कंसेप्ट जानेंगे हायर परचेज का मतलब क्या होता है। सर, हायर परचेज का मतलब होता है इंस्टॉलमेंट में किसी एसेट को खरीद लेना। जैसे कई बार होता है ना, गाड़ी खरीदने जाते हैं और कार की क्या करा लिया जी, लोन करा लिया, और लोन पे हम क्या करेंगे, EMIs पे करते चले जाएंगे। तो हायर परचेज मींस व्हेनेवर एनी एसेट इज परचेज ऑन इंस्टॉलमेंट बेसिस, दैट इज नोन एज हायर परचेज। इसमें होता क्या क्या है, एसेट इज डिलीवर्ड एट द बिगिनिंग ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। जैसे ही हायर परचेज का कॉन्ट्रैक्ट स्टार्ट होता है, एसेट की क्या हो जाती है जी, डिलीवरी हो जाती है। उसका जो प्राइस होगा वो किस में जाएगा, वो इंस्टॉलमेंट्स में जाएगा अलोंग विद इंटरेस्ट। मान लो 5 लाख रुपए का असेट है, तो हर महीने आपकी क्या बन जाएगी, इंस्टॉलमेंट बन जाएगी और उस पर इंटरेस्ट भी लगना शुरू हो जाएगा। उसको बोलते हैं हम EMIs। इंस्टॉलमेंट्स में आपका क्या जाएगा जी, पैसा जाएगा। ओनरशिप आपको एसेट की कब मिलेगी, ओनरशिप विल बी ट्रांसफर्ड एट द एंड ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट या फिर एट द टाइम ऑफ द पेमेंट ऑफ द लास्ट इंस्टॉलमेंट। जब आप लास्ट इंस्टॉलमेंट आखिरी इंस्टॉलमेंट पे कर देंगे तब तो आपको एसेट की ओनरशिप भी मिल जाएगी। हाँ जी, दिस इज द फीचर्स ऑफ हायर परचेज। और अगर मान लो कोई पर्सन इंस्टॉलमेंट पे नहीं कर पाता या इंस्टॉलमेंट में डिफॉल्ट करता है, तो कंपनियां क्या करती है, एसेट को वापसी ले जाती है। दैट इज टेक्निकली नोन एज रीपोजेशन ऑफ द एसेट, रीपोजेशन ऑफ द गुड्स। एक टर्म आती है इंस्टॉलमेंट सेल ट्रांजेक्शन। अब एक तो हमने हायर परचेज देख लिया, दूसरी आती है इंस्टॉलमेंट सेल। इंस्टॉलमेंट सेल का मतलब भी होता है कि किश्तों पे गुड्स को खरीद लेना, लेकिन इसमें थोड़ा सा फर्क क्या है, जैसे हायर परचेज में क्या था कि ओनरशिप विल बी ट्रांसफर एट द टाइम ऑफ द पेमेंट ऑफ द लास्ट इंस्टॉलमेंट, लेकिन इंस्टॉलमेंट में क्या होगा, जैसे ही आपने एसेट खरीदा ओनरशिप आपको इमीडिएटली ट्रांसफर हो जाती है। पेमेंट इसमें भी क्या होगी, जब पेमेंट इसमें भी इंस्टॉलमेंट में जाएगी विद इंटरेस्ट जाएगी, लेकिन ओनरशिप आपको बिगिनिंग में ही मिल जाएगी। और एक और डिफरेंस क्या है, जैसे हायर परचेज में था कि अगर एसेट EMIs इंस्टॉलमेंट पे नहीं करी जा रही है, तो वेंडर आके एसेट को रीपोजेस कर लेता है, वापसी ले लेता है, लेकिन यहां पर ऐसा कुछ नहीं होता। इंस्टॉलमेंट सेल में एसेट का रीपोजेशन नहीं होता। अब बात आती है सर रिकवरी कैसे होगी, फिर रिकवरी होगी थ्रू कोर्ट प्रोसीजर। कंपनियां कोर्ट में केस डालकर रिकवरी करा सकती है। देखिए जितने भी जनरली जितने भी कंज्यूमर प्रोडक्ट्स होते हैं, कंज्यूमेबल प्रोडक्ट, फॉर एग्जांपल दिस मोबाइल फोन्स वगैरह, आपने भी कई बार इस टाइप के मोबाइल फोन्स वगैरह आपने इंस्टॉलमेंट्स पे खरीदे होंगे, वो हायर परचेज पे नहीं होते, वो किस पे होते हैं, इंस्टॉलमेंट सेल पर होते हैं। तो इन पे इनकी ओनरशिप आपको ऐसा तो नहीं है कि भाई एंड में आपको ओनरशिप मिलेगी, बिल तो आपके नाम पे तभी कट जाएगा। तो जितने भी कंज्यूमर ड्यूरेबल प्रोडक्ट्स होते हैं वो सब इंस्टॉलमेंट सेल पे चलते हैं। और अगर पर्सन इंस्टॉलमेंट सेल वाली आइटम की EMI पे नहीं करता, डिफॉल्ट करता है, तो कंपनियां कोर्ट से रिकवरी करवा लेती है, उसके ऊपर केस डालकर रिकवरी करा लेती है। और जनरली बड़े बड़े एसेट्स होते हैं जैसे मशीनरी, ट्रक्स, मोटर कार्स वगैरह, ये सब किस पे होती है, ये सब होती है जी हायर परचेज। क्लियर है जी। अब इसमें कई सारे हमें एस्पेक्ट देखने हैं, आइए जी अब इसके जो एस्पेक्ट्स है वो देख के चलते हैं। सबसे पहले कुछ इसका ना कैलकुलेशन पार्ट है, जो एग्जाम में आपसे कई बार पूछ लिया जाता है, तो पहले के पहले हम क्या करेंगे, कैलकुलेशन पार्ट करते हैं।
जैसे अपना इंस्टॉलमेंट अमाउंट कैसे निकालना है, कैश प्राइस ऑफ द एसेट कैसे निकालना है। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं दैट इज योर इंस्टॉलमेंट अमाउंट की, हाँ जी इंस्टॉलमेंट अमाउंट, कैलकुलेशन ऑफ इंस्टॉलमेंट अमाउंट हेडिंग डालिए जी। कैलकुलेशन ऑफ इंस्टॉलमेंट अमाउंट, जैसे होता है ना कि ईएमआई का अमाउंट निकालना है, इंस्टॉलमेंट अमाउंट निकालना है, वो किस हिसाब से निकलेगा। एक एग्जांपल से लेके समझ लेते हैं। एग्जांपल के तौर पे मान लो एक एसेट है जिसका कैश प्राइस है 10,000 रुपये। कैश प्राइस कितना है जी, 10,000 रुपये। एक होती है डाउन पेमेंट, डाउन पेमेंट मतलब वो अमाउंट जो इमीडिएटली पे कर दिया जाएगा। मान लो डाउन पेमेंट है 2,000 रुपये। अब मुझे बताइए बैलेंस कितना बच गया। अब ये डाउन पेमेंट तो स्टार्टिंग में चली जाएगी, बैलेंस कितना बच गया जी, 8,000 रुपये बच गया। इस 8,000 रुपए की बोला जाएगा कि फॉर एग्जाम्पल चार इक्वल इंस्टॉलमेंट्स जानी है, चार इक्वल इंस्टॉलमेंट्स। मुझे बता सकते कि चार इक्वल इंस्टॉलमेंट्स का मतलब क्या हुआ? चार इक्वल इंस्टॉलमेंट का मतलब हुआ कि जो 8,000 रुपए ये चार हिस्सों में डिवाइड होंगे, इंटरेस्ट अलग है। मतलब जो प्रिंसिपल अमाउंट है आपका, प्रिंसिपल अमाउंट ये चार हिस्सों में जाएगा, दैट इज 2,000, 2,000, 2,000 एंड 2,000। अब लगेगा इंटरेस्ट, इंटरेस्ट लगना शुरू होगा। देखिए एसेट कितना था, एसेट था जी आपका 8,000 रुपए का। आप पहले तो लगेगा इंटरेस्ट किस पे, 8,000 पे। मान लो 10% का इंटरेस्ट है तो 8,000 का 10%, दूसरे में 6,000 का 10%, क्योंकि 8 में से ये 2 पे हो गया, फिर 4,000 का 10% और लास्ट में आपका लगेगा 2,000 का 10%। तो अगर मैं बोलूं आपसे इंस्टॉलमेंट अमाउंट तो कैलकुलेट कर सकते हैं, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट इज इक्वल टू इंस्टॉलमेंट अमाउंट। तो ये हो गया आपका 2,800, ये हो गया आपका 2,600, ये हो गया आपका 2,400 और ये हो गया आपका 2,200। ये आपका क्या हो गया, इंस्टॉलमेंट अमाउंट। अगर मैं बोलूं हायर परचेज प्राइस क्या होगा, हायर परचेज प्राइस मीन्स ऑल इंस्टॉलमेंट अमाउंट, इन सब का टोटल, इन सब का टोटल कितना आता है, यह आता है आपका 14, 14, 18, 19, 20, 2, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 10,000। तो ये हो गया प्लस डाउन पेमेंट, डाउन पेमेंट कितनी, 2,000 रुपये। तो हायर परचेज प्राइस कितना हो गया आपका, 12,000 रुपये। मतलब 8, 10,000 रुपये का एसेट आपको कितने में पड़ा जी, 12,000 रुपये में पड़ गया। दिस इज योर हायर परचेज प्राइस। तो ये तरीका है हमारा इंस्टॉलमेंट्स निकालने का। अब ये क्वेश्चन करेंगे उससे और क्लियर हो जाएगा आपको। दूसरा आपसे कई बार पूछ लिया जाता है कि कैलकुलेट द कैश प्राइस ऑफ द एसेट, कि एसेट का कैश प्राइस निकालो। कैलकुलेशन ऑफ कैश प्राइस, आपको इंस्टॉलमेंट का अमाउंट दे देगा और बोलेगा जी कैश प्राइस निकालो। तो कैश प्राइस कैसे निकलेगा, कैश प्राइस हर इंस्टॉलमेंट का, एवरी इंस्टॉलमेंट, कैश प्राइस ऑफ एवरी इंस्टॉलमेंट कैसे निकलेगा जी, वो निकलेगा इंस्टॉलमेंट का अमाउंट प्लस प्रीवियस कैश प्राइस कैलकुलेटेड डिवाइडेड बाय 1 प्लस रेट ऑफ इंटरेस्ट। ये एक टेक्निकल फॉर्मूला है। अब सर इसको रटे या क्या करें, देखिए रटने का कोई फायदा नहीं है, इसको कंसेप्चुअली समझते हैं। हमेशा स्टार्ट करना, ऑलवेज स्टार्ट फ्रॉम लास्ट इंस्टॉलमेंट, ऑलवेज स्टार्ट फ्रॉम लास्ट इंस्टॉलमेंट। एक मैं आपको एग्जाम्पल के तौर पर समझाता हूं। फॉर एग्जाम्पल मान के चलिए हाँ जी, एक एग्जाम्पल है आपके पास इंस्टॉलमेंट अमाउंट है। इंस्टॉलमेंट्स कैसी कैसी हैं आपके पास, एक तो डाउन पेमेंट आपकी, डाउन पेमेंट कितनी है, डाउन पेमेंट आपकी 10,000। उसके बाद फर्स्ट इंस्टॉलमेंट है आपकी 25,000, सेकेंड इज 30,000, थर्ड इज 40,000 एंड फोर्थ इंस्टॉलमेंट इज 15,000, ठीक है जी। उसके बाद रेट ऑफ इंटरेस्ट, रेट ऑफ इंटरेस्ट है आपका लेट अस से 10% पर एनम का, ये आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट है और ये आपका इंस्टॉलमेंट अमाउंट है भाई। डाउन पेमेंट होगी, उसके बाद चार इंस्टॉलमेंट होगी और ये रेट ऑफ इंटरेस्ट है आपका 10% पर एनम। मैंने क्या बोला आपको, यू हैव टू कैलकुलेट द कैश प्राइस, क्योंकि कैश प्राइस से एसेट को बुक करेंगे, अकाउंटिंग पार्ट पे भी आऊंगा।
अब मुझे बताइए कैश प्राइस कैसे निकलेगा, क्या बोला मैंने, ऑलवेज स्टार्ट फ्रॉम लास्ट इंस्टॉलमेंट, फोर्थ इंस्टॉलमेंट से स्टार्ट करेंगे। फोर्थ इंस्टॉलमेंट में मुझे बता सकते हैं इंस्टॉलमेंट अमाउंट कितना था, 15,000 डिवाइडेड बाय 1.10, 15,000 डिवाइडेड बाय 1.10 ये कितना आएगा जी, कैलकुलेट कीजिए, 15,000 डिवाइडेड बाय 1.10 ये आ गया आपका जी 13636, 13636, दिस इज व्हाट, दिस इज कैश प्राइस इन लास्ट इंस्टॉलमेंट। हम हर इंस्टॉलमेंट में क्या निकाल रहे हैं जी, कैश प्राइस निकाल रहे हैं। उसके बाद थर्ड, अगर मैं थर्ड इंस्टॉलमेंट की बात करूं तो थर्ड इंस्टॉलमेंट अमाउंट था आपका 40,000 प्लस प्रीवियस इंस्टॉल, प्रीवियस कैश प्राइस कैलकुलेटेड, प्रीवियस कैश प्राइस कैलकुलेटेड इज 13636 डिवाइडेड बाय 1.10 ये कितना आ गया जी, दिस इज योर 53, कैलकुलेट करो इसे कितना हो गया जी, 53636 डिवाइडेड बाय 1.1 ये आ गया 48760, 48760 यानी कि थर्ड इंस्टॉलमेंट के टाइम पे हमारा कैश प्राइस कितना था 48760। फिर सेकंड, सेकंड कैसे निकलेगा, सेकंड इंस्टॉलमेंट इज 30,000 प्लस प्रीवियस कैश प्राइस 48760 डिवाइडेड बाय 1.1 ये कितना आ गया जी 78760 डिवाइडेड बाय 1.1 71,600। और फर्स्ट इंस्टॉलमेंट के टाइम पे कैश प्राइस क्या रहा होगा, कैश प्राइस रहा होगा जी फर्स्ट इंस्टॉलमेंट इज 25,000 प्लस 71,600 डिवाइडेड बाय 1.10 तो ये हो गया आपका 87818 क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ये बता रहा है कि कैश प्राइस एट द टाइम ऑफ फर्स्ट इंस्टॉलमेंट। मैंने पूछा कैश प्राइस ऑफ द एसेट, कैश प्राइस ऑफ द एसेट क्या रहेगा 87818, इसमें डाउन पेमेंट भी तो थी, कितनी डाउन पेमेंट थी 10,000, तभी तो मैं कह सकता हूँ कि भैया एसेट कितने का था हमारा 97818 का, 97818 में से 10,000 गए तो 87818, उसके बाद आपका इंटरेस्ट लगना शुरू हो गया। क्लियर है जी, दिस इज द कैलकुलेशन ऑफ कैश प्राइस। तो एक एस्पेक्ट आपसे एग्जाम में पूछ लिया जाता है कैलकुलेट द कैश प्राइस ऑफ द एसेट, हमेशा स्टार्ट करना है आपको लास्ट इंस्टॉलमेंट से एंड यू हैव टू अप्लाई टेक्निकली दिस फॉर्मूला, ये आपको फॉर्मूला अप्लाई करके चलना है, इस क्वेश्चन के थ्रू आप इसको देख लीजिएगा, ठीक है जी। उसके बाद एक एस्पेक्ट आता है आपके सामने, एक और एस्पेक्ट आता है कि कई बार आपको इंटरेस्ट का अमाउंट निकालना होता है, आपको कैश प्राइस दे रखा है और इंस्टॉलमेंट दे रखा है लेकिन रेट ऑफ इंटरेस्ट गिवन नहीं है। सर ये कैसी अजीब सी सिचुएशन है, मान लो कैश प्राइस है, लेट अस से एक एसेट का कैश प्राइस है 1,00,000 रुपए और इंस्टॉलमेंट है उसकी, इंस्टॉलमेंट्स आर 20,000, 28,000, 26,000, 24,000 एंड 22,000 ये आपकी इंस्टॉलमेंट अमाउंट है, रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको गिवन नहीं है और यू हैव टू कैलकुलेट इंटरेस्ट, यू हैव टू कैलकुलेट इंटरेस्ट कैसे निकालोगे बताइए जी। इसमें आपको क्या करना है, इसमें सबसे पहले आपको सॉल्यूशन, सबसे पहले आपको रेशियो निकालनी है ऑफ आउटस्टैंडिंग अमाउंट, रेशियो ऑफ आउटस्टैंडिंग अमाउंट एट द एंड ऑफ ईच ईयर, हर साल के एंड पे आउटस्टैंडिंग अमाउंट का रेशियो क्या रहेगा। मुझे बता सकते हो कि पहले साल पे आउटस्टैंडिंग अमाउंट कितना था, पहले साल पे आउटस्टैंडिंग अमाउंट था 1,00,000, दूसरे साल पे आउटस्टैंडिंग अमाउंट कितना था, दूसरे साल पे आपने 28,000 की पेमेंट कर दी तो कितना आउटस्टैंडिंग अमाउंट रहा होगा, ये रहा होगा आपका 72,000, फिर आपने 26,000 की पेमेंट कर दी फिर कितना रहेगा 46,000, फिर आपने 24,000 पेमेंट कर दी तो अमाउंट कितना रहेगा 22,000, या आपकी रेशियो निकल गई आउटस्टैंडिंग अमाउंट कि हर साल के एंड में कितना कितना अमाउंट आउटस्टैंडिंग है। देखिए पहले साल में तो आपने पेमेंट अभी आप करोगे तो आप कह सकते हो कि 1,00,000 आउटस्टैंडिंग है, दूसरे साल में अब आपकी 28 चली जाएगी तो आपका कितना रहेगा 72, फिर इस हिसाब से आप इसको एलोकेट कर दोगे तो रेशियो निकल के आएगी कुछ आपकी 50:36:23:11। नाउ यू हैव टू कैलकुलेट टोटल इंटरेस्ट, मुझे बता सकते हो टोटल इंटरेस्ट कैसे निकलेगा।
देखिए, हायर परचेज प्राइस और कैश प्राइस का जो डिफरेंस होता है वो क्या होता है, वो इंटरेस्ट होता है। भैया एसेट महंगा क्यों हुआ? देखिए, अगर मैं आपको कुछ फेमस एग्जांपल पे लेके चलूं, यहाँ पर हायर परचेज प्राइस था 12,000 रुपए और कैश प्राइस था 10,000 रुपए, ये 2,000 रुपए महंगा क्यों हुआ? बिकॉज ऑफ इंटरेस्ट, ब्याज लग गया। तो यही आपको मैं बता रहा हूँ, हायर परचेज प्राइस किस निकलेगा, सारी इंस्टॉलमेंट को जोड़ दीजिए। सारी इंस्टॉलमेंट को अगर मैं जोड़ू तो कितना अमाउंट बनता है? ये बनता है मेरे ख्याल से, ये बनेगा आपका 2, 3, 4, 5, 1 लाख तो ये हो गया, और 14, 1,20,000, 1,20,000, और कैश प्राइस है आपका 1 लाख। तो कह सकता हूँ कि टोटल इंटरेस्ट इज 20,000, कि भैया इस एसेट पे टोटल इंटरेस्ट कितना लग गया, 20,000 रुपए। फिर अब मैं क्या करूंगा, इस एसेट को डिवाइड करूंगा बिटवीन इन दिस रेशियो, इस एसेट को डिवाइड करूंगा इन दिस रेशियो। तो मैं हर साल का क्या निकाल सकता हूँ जी, हर साल का आपका इंटरेस्ट अमाउंट निकाल सकता हूँ। तो अगर मैं फर्स्ट ईयर की बात करूं, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, 4 इंस्टॉलमेंट थी आपकी। आई थिंक मैंने एक पॉइंट आपका मिस किया है कि दिस इज योर डाउन पेमेंट, ये आपकी डाउन पेमेंट है, ठीक है जी। तो आपकी 4 इंस्टॉलमेंट है, ये आपकी क्या है, 4 इंस्टॉलमेंट्स है। तो इन 4 इंस्टॉलमेंट्स में इस इंटरेस्ट को डिवाइड कर दीजिए कि 20,000 × 50 बाय जो भी रेशियो थी, टोटल कर लीजिए इसे 50/120, फिर 20,000 × 36/120, फिर 20,000 × 23/120, फिर 20,000 × 11/120। तो ये आप क्या कर सकते हैं, यहां से आप इंटरेस्ट अमाउंट कैलकुलेट कर सकते हैं। बताइए जी, ये आस्पेक्ट क्लियर हो? हाँ जी, ये कैलकुलेशन पार्ट क्लियर हुआ। तो आपको एग्जाम में हायर परचेज में जरूरी नहीं है प्रॉपर अकाउंटिंग का क्वेश्चन आए, कैलकुलेशन का भी क्वेश्चन आ सकता है। कई बार पूछ लेता है वो 4, 4, 5, 5 नंबर पे, कैलकुलेशन ऑफ हायर परचेज इंटरेस्ट अमाउंट, कैलकुलेशन ऑफ कैश प्राइस, कैश प्राइस तो कई बार पूछता है आपसे, ठीक है। तो ये चीज आप करके चलिएगा अच्छे से, ओके। अब हम आते हैं इनके अकाउंटिंग पार्ट पे, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट, कि अकाउंटिंग ट्रीटमेंट कैसा रहेगा। देखिए जी, अकाउंटिंग एंट्रीज, अब हमारे पास दो पार्टीज हैं, एक है जी हायर परचेजर, हायर परचेजर कौन, जिसने एसेट को खरीदा, और एक है हायर वेंडर कौन, जिसने एसेट को बेचा। दोनों की बुक्स में कैसे कैसे अकाउंटिंग करी जाएगी, आइए। पहली ट्रांजेक्शन, सबसे पहले क्या होगा, सबसे पहले गुड्स आर सोल्ड ऑन हायर परचेज, गुड्स बिकेंगे। मुझे बताइए हायर परचेजर क्या एंट्री डालेगा, हायर परचेजर क्या एंट्री डालेगा, हायर परचेजर के पास तो एसेट आ जाएगा, तो वो एंट्री डालेगा एसेट अकाउंट डेबिट टू हायर वेंडर। किस अमाउंट से एंट्री डालेगा, दिस इज एट कैश प्राइस। मान लो 1 लाख का एसेट था, तो 1 लाख से एसेट को बुक करेगा ना, हायर परचेज प्राइस से तो नहीं करेगा, हायर परचेज प्राइस तो भैया इंटरेस्ट का एक्सपेंस अलग से बुक होना शुरू हो जाएगा, ठीक है जी। और हायर वेंडर क्या डालेगा, हायर वेंडर बोलेगा कि भैया हायर परचेजर इसको डेटर बनाया, डेबिट टू गुड्स सेंट ऑन हायर परचेज, ये इसकी सेल होगी, नॉर्मल सेल, गुड्स सेंट ऑन हायर परचेज एट कैश प्राइस या कॉस्ट प्राइस। उसके बाद ऑन डाउन पेमेंट, डाउन पेमेंट पे एंट्री क्या डलेगी बताइए जी, डाउन पेमेंट पे एंट्री क्या डालेगी, हायर परचेजर के यहां से पैसा जाएगा तो ये एंट्री क्या डालेगा, ये एंट्री डालेगा, बोलिए ये एंट्री डालेगा हायर वेंडर को पेमेंट कर दी, हायर वेंडर अकाउंट डेबिट टू बैंक, और वेंडर क्या डालेगा, वेंडर को मिलेगा बैंक अकाउंट डेबिट टू, किससे मिलेगा, हायर परचेजर से, टू हायर परचेजर। थर्ड एंट्री, अब क्या होगा जी, अब पहले साल का इंटरेस्ट लगेगा, चार्जिंग ऑफ इंटरेस्ट, चार्जिंग ऑफ इंटरेस्ट, इंटरेस्ट चार्ज होगा। बताइए जी, हायर परचेजर के लिए इंटरेस्ट क्या है, हायर परचेजर के लिए इंटरेस्ट है एक्सपेंस, तो वह एंट्री डालेगा इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट, इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट, और वो इंटरेस्ट किसको पे करना है, हायर वेंडर को पे करना है, तो हायर वेंडर को क्रेडिट किया। और हायर वेंडर के लिए क्या है, इंटरेस्ट इनकम है, लेना किससे, हायर परचेजर से, तो वो एंट्री डालेगा हायर परचेजर डेबिट टू इंटरेस्ट इनकम। अब क्या होगा जी, अब आएगा इंस्टॉलमेंट अमाउंट, इंस्टॉलमेंट में इंटरेस्ट भी इंक्लूड हो जाएगा, तो अब इंस्टॉलमेंट रिसीव हो जाएगी, इंस्टॉलमेंट अमाउंट। हायर परचेजर क्या करेगा, इंस्टॉलमेंट पे करेगा, तो वो एंट्री डालेगा हायर वेंडर टू बैंक, हायर वेंडर
डेबिट टू बैंक, और ये क्या एंट्री डालेगा, हायर वेंडर को इंस्टॉलमेंट मिलेगी तो एंट्री डालेगा बैंक अकाउंट डेबिट टू हायर परचेजर, बताइए जी। और ये हमारी कंटिन्यू रहेगी जब तक इंस्टॉलमेंट चलती चली जाए, ठीक है जी। अब क्या होगा, नेक्स्ट एंट्री फिफ्थ, मान लीजिए गुड्स आर रिपोजेस्ड, गुड्स आर रिपोजेस्ड, भैया हायर परचेजर ने इंस्टॉलमेंट पे नहीं करी तो हायर वेंडर उसके वहां से गुड्स को उठा लाया, तो एंट्री क्या डालेगा बताइए जी, एंट्री क्या डालेंगी, एंट्री डालेगी इन द बुक्स ऑफ हायर परचेजर। अगर हायर परचेजर की बात करूं तो वो बोलेगा कि भैया हायर वेंडर ने पैसे ले लिए, दैट इज हायर वेंडर ने एसेट ले लिया, तो हायर वेंडर डेबिट, और मेरे यहां से एसेट चला गया, एसेट किस प्राइस पर बताइए जी, किस प्राइस पर हायर वेंडर का अकाउंट क्लोज होगा, एट अनपेड अमाउंट, कितने का अनपेड था पैसा, और एसेट कितने का जाएगा, जितने की बुक वैल्यू थी। अब इसमें ध्यान रखिएगा, अगर इस एंट्री में कोई डिफरेंस आता है, एनी डिफरेंस, ये हो जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस ऑन रिपोजेशन, जो कि किसका होगा जी, प्रॉफिट और लॉस होगा हायर परचेजर का, नुकसान ही होता है जनरली, तो हायर परचेजर का लॉस होगा। अगर मैं बात करूं हायर वेंडर की बुक्स में, तो हायर वेंडर की बुक्स में एंट्री क्या डालेगी, भैया उसको गुड्स मिल गए, तो वो एंट्री डालेगा गुड्स रिपोजेस्ड अकाउंट डेबिट, किससे मिल गए, टू हायर परचेजर। ओके जी, ठीक है जी। सिक्स्थ, व्हेन गुड्स आर सोल्ड, सेल ऑफ रिपोजेस्ड गुड्स, जब रिपोजेस्ड वाले गुड्स क्या होते हैं जी, बिक जाते हैं भाई, सेकेंड हैंड गुड्स हो जाते हैं ना, और वो बिक जाते हैं, मुझे बताइए हायर परचेजर कोई एंट्री डालेगा, आंसर इज नो एंट्री। व्हाई, भैया गुड्स तो वेंडर बेच रहा है, तो परचेजर का कोई मतलब ही नहीं, परचेजर यहां से तो एसेट जाना था वो चला गया। हायर वेंडर क्या डालेगा, हायर वेंडर के गुड्स बिक जाएंगे, दैट इज बैंक अकाउंट डेबिट, जितने में गुड्स बिक गए टू गुड्स रिपोजेस्ड, कि भैया गुड्स रिपोजेस्ड कितने के करे थे, वो रिपोजेस्ड गुड्स कितने में बिक गए, इस एंट्री में भी डिफरेंस आ सकता है, तो एनी डिफरेंस इज प्रॉफिट एंड लॉस। इसमें अगर कुछ डिफरेंस आएगा तो वो क्या होगा, हायर वेंडर ने प्रॉफिट या लॉस कमाया। क्लियर है जी, दिस इज द अकाउंटिंग इन द बुक्स ऑफ हायर परचेजर एंड हायर वेंडर। तो आई होप आपको ये समझ में आई होगी एंट्रीज किस हिसाब से होनी है। बोलिए बच्चे, समझ में आया, ओके। आइए अब एक क्वेश्चन देखते हैं, इस क्वेश्चन से और आपको ज्यादा अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो आपके स्टडी मटेरियल का मैंने क्वेश्चन निकाल के रखा हुआ है, पेज नंबर 11.34 पे, क्वेश्चन नंबर 11, 11.34 क्वेश्चन नंबर 11 क्या कहता है पढ़िए। वो कहता है एक्स ट्रांसपोर्ट कंपनी परचेज्ड फ्रॉम दिल्ली मोटर्स थ्री टेम्पो कॉस्टिंग 50 ईच, 50,000 ईच ऑन हायर परचेज सिस्टम ऑन 1/1/2000 जो भी है। पेमेंट वॉज टू बी मेड 30,000 डाउन पेमेंट एंड रिमाइंडर इन थ्री इक्वल इंस्टॉलमेंट पेबल ऑन 31 दिसंबर 1, 2 एंड 3 टुगेदर विद द इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 9% पर एनम, ठीक है जी। एक्स ट्रांसपोर्ट लिमिटेड राइट ऑफ द डेप्रिसिएशन एट द रेट ऑफ 20% ऑन डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड, ठीक है जी। जो परचेजर है वो डेप्रिसिएशन कितना लगाता है, 20% ऑन रिटन डाउन वैल्यू बेसिस पे। इट पेड द इंस्टॉलमेंट ड्यू एट द एंड ऑफ द फर्स्ट ईयर, पहली इंस्टॉलमेंट तो उसने पे कर दी, दैट इज ऑन 31 दिसंबर 2001, बट कुड नॉट पे द नेक्स्ट ऑन 31 दिसंबर 2002, सेकेंड इंस्टॉलमेंट वो पे नहीं कर पाया। दिल्ली मोटर एग्रीड टू लीव वन टेम्पो विद द परचेजर ऑन 31 दिसंबर, सॉरी ऑन 1 जनवरी 2003, ठीक है, नेक्स्ट डे पर उसने एक टेम्पो छोड़ दिया, एंड एडजस्टिंग द वैल्यू ऑफ अदर टू टेम्पोज अगेंस्ट द अमाउंट ड्यू ऑन 31 दिसंबर 2, ठीक है। जो 31 दिसंबर 2002 का आउटस्टैंडिंग अमाउंट था उससे उसने दो टेम्पोस की वैल्यू को एडजस्ट कर दिया। अब टेम्पो वो कितने पर वैल्यू करके ले गया, वो लेके गया 30% डेप्रिसिएशन एनुअली। शो द नेसेसरी अकाउंट इन द बुक्स ऑफ एक्स ट्रांसपोर्ट कंपनी लिमिटेड, मतलब परचेजर की बुक्स में मैं अकाउंट्स बनाने हैं फॉर 1, 2 एंड 3 ईयर्स, ठीक है जी। आइए अगर मैं डायग्राम बनाऊ इसका, ये आपका डायग्राम इस हिसाब से कुछ बनेगा। क्या कहता है, फर्स्ट जनवरी फर्स्ट ईयर में क्या हुआ, उसने तीन टेम्पोस खरीदे, यानी कि 50,000 का एक टेम्पो, तीन टेम्पोस खरीदे, और डाउन पेमेंट उसने कितनी पे करी, 30,000 रुपए की डाउन पेमेंट पे कर दी, कितना बैलेंस रह गया, 1,20,000।
और इस 1.20 को वो क्या करे, वो 3 इंस्टॉलमेंट में पे करेगा। तो एक इंस्टॉलमेंट रहेगी 31 दिसंबर फर्स्ट ईयर, एक रहेगी 31 दिसंबर सेकेंड ईयर, और एक रहेगी आपकी 31 दिसंबर थर्ड ईयर। इस 1,20,000 को 3 पार्ट्स में डिवाइड करो, 40,000, 40,000। ये मैंने क्या किया, ये मैंने प्रिंसिपल अमाउंट को डिवाइड किया। किसको किया जी, प्रिंसिपल अमाउंट को डिवाइड किया। अब इंटरेस्ट लगेगा, इंटरेस्ट कैसे लगेगा, पहले साल पे तो पूरा 1,20,000 का 9% कितना हो गया, 10,800। तो पहली ईएमआई कितने की बन गई, पहली ईएमआई बन गई 50,800। दूसरा, अब 1,20 में से 40 चलेगी, कितना बचा जी 80, 80 का 9% दैट इज 7,200। तो दूसरी ईएमआई कितने की बन गई, 47,200। और तीसरा फिर 40 चलेगा तो 40 पे 3,600, 9%। तो तीसरी ईएमआई कितने की बन गई, 43,600। लेकिन हुआ क्या, वो कह रहे इस ईयर की इंस्टॉलमेंट नॉट पेड, यहां पर इंस्टॉलमेंट पे नहीं करी, और इमीडिएटली नेक्स्ट डे पर, नेक्स्ट डे क्या है 1/1/13 पर, इस डेट पर रिपोजेशन हो गया। कैसे रिपोजेशन हो गया, वो रिपोजेशन कर गया 2 ट्रक्स का, 2 ट्रक्स ले गया, और डेप्रिसिएशन कैसे लगा के गया वो 30% एनुअली। और परचेजर डेप्रिसिएशन कैसे लगा रहा है, वो लगा रहा है 20% WDV बेसिस पर। क्लियर है जी। आइए अब हम अकाउंटिंग करेंगे इन द बुक्स ऑफ परचेजर दैट इज एक्स ट्रांसपोर्ट लिमिटेड। तो बनाइए इन द बुक्स ऑफ एक्स ट्रांसपोर्ट लिमिटेड। एक तो बनेगा एसेट अकाउंट, दैट इज एसेट का नाम क्या है, टेम्पो। तो टेम्पो अकाउंट बना लीजिए, और एक आपका बन जाएगा वेंडर का अकाउंट, दैट इज दिल्ली मोटर्स अकाउंट। देखिए सबसे पहले 1/1/1 को एसेट खरीदा तो एंट्री क्या डलेगी, 2 दिल्ली मोटर्स, कितने का, 1,50,000 का, और यहां एंट्री क्या आएगी, बाय टेम्पो 1,50,000। उसके बाद डाउन पेमेंट पे होगी, हाँ जी डाउन पेमेंट को पे करिए, डाउन पेमेंट दैट इज 1/1, 2, बैंक कितना अमाउंट है डाउन पेमेंट का, डाउन पेमेंट थी मेरे ख्याल से 30,000 की, तो ये पे होगी 30,000। उसके बाद क्या होगा जी, उसके बाद ईयर एंड पे 31 दिसंबर 1 पे क्या लगेगा जी, डेप्रिसिएशन लगेगा। डेप्रिसिएशन कितना कह रहा था 20%, तो 1,50,000 का 20% इज 30,000, और बैलेंस सीडी कितना रहेगा, बैलेंस सीडी एसेट का 1,20,000। यहां क्या होगा जी, यहां पर इंटरेस्ट लग जाएगा, इंटरेस्ट लगाइए बाय इंटरेस्ट, इंटरेस्ट किस पे लगेगा, अभी हमने लगाया था 10,800, और बता सकते हैं 10,800 कैसे निकला, 1,20,000, 1,50,000 - 30,000, ठीक है जी। अब इंस्टॉलमेंट पे हो जाएगी, इंस्टॉलमेंट पहली तो पे होगी थी 2 बैंक, कितने की, 50,800। मुझे बता सकते हैं क्लोजिंग बैलेंस क्या रहेगा, क्लोजिंग बैलेंस बता सकते हैं, 2 बैलेंस CD, अरे क्लोजिंग बैलेंस तो रहेगा 80,000 रुपए यार। 1,20,000 में से अगर आपने 40,000 की इंस्टॉलमेंट ईएम प्रिंसिपल अमाउंट पे कर दिया तो कितना बैलेंस बचा, 80,000 का बचा ना, फिर इंटरेस्ट लगेगा दोबारा अगले साल, ठीक है जी। उसके बाद 1/1 सेकेंड ईयर में 2 बैलेंस BD कितना, यह आ गया आपका 1,20,000, और यहां पर आप लिखेंगे 1/1 सेकेंड ईयर में, सेकेंड ईयर में बैलेंस BD 80,000। अब क्या हुआ जी, भैया एसेट अकाउंट में तो कोई दिक्कत नहीं है, डेप्शन तो लगेगा ही लगेगा, लगा दीजिए बाय डेप्रिसिएशन, कितना डेप्शन
20% करते ना तो ये हो गया आपका 24,000। एंड बाय बैलेंस सीडी इज ये हो गया आपका 96,000। ठीक है जी, ये तो क्लोज हो गया। सेकंड ईयर में यहां पर क्या होगा, इंटरेस्ट लगेगा पहले, तो पहले आप करेंगे इंटरेस्ट लगाना, तो आप लगाएंगे इंटरेस्ट 31 दिसंबर सेकंड ईयर में बाय इंटरेस्ट। कितना इंटरेस्ट बताइए जी, इंटरेस्ट कितना किस पे लगेगा, 80,000 पे लगेगा, कितना 9%, 7,200। और मुझे बताइए क्या पेमेंट हुई है, क्या पेमेंट हुई है, आंसर इज नो पेमेंट, तो आप कह देंगे टू बैलेंस सीडी। देखिए कई बार रिपोजिशन यहीं पर ही हो जाता है, यहीं पर ही रिपोजिशन हो जाता है, लेकिन वो कह रहे हैं कि नेक्स्ट डे पर रिपोजिशन है, तो हम नेक्स्ट डे पर कर देंगे। कितना रह गया जी, 87,200। अब नेक्स्ट डे पर क्या हो गया, रिपोजिशन होगा, पहले ओपनिंग बैलेंसेस उतार लेते हैं 1113 पे, बैलेंस बीडी 87,200, और यहां पर रहेगा आपका 113 पे बैलेंस बीडी 96,000। मुझे बताइए रिपोजिशन करने की एंट्री क्या थी, रिपोजिशन करने की एंट्री बताइए, इन द बुक्स ऑफ हायर परचेजर हायर वेंडर टू एसेट, क्या डालोगे, हायर वेंडर टू एसेट बताइए जी, हायर वेंडर टू एसेट, तो डालिए 1113 पे टू एसेट यानी कि टू टेम्पो, और ये क्या डालेगा, बाय हायर वेंडर जो भी है आपका डेली मोटर्स। डेली मोटर्स, अच्छा मुझे बता सकते हैं एसेट अकाउंट में कितना अमाउंट आएगा, एसेट अकाउंट में आएगा बुक वैल्यू। अब आपको थोड़ी सी कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, वर्किंग नोट कैलकुलेशन ऑफ बुक वैल्यू ऑफ गुड्स रिपोजेस्ड। बुक वैल्यू बता सकते हैं, बुक वैल्यू बता सकते हैं या नहीं, बिल्कुल बता सकते हैं सर। 96,000 कितने एसेट की वैल्यू थी, 96,000 थी, तीन टेम्पोस की वैल्यू, और कितने टेम्पोस को रिपोसेस किया, दो टेम्पोस को उठा के ले गया, तो दो टेम्पोस की वैल्यू बताओ, ये हो जाएगा 3 और ये 64,000। ओके अब आप मुझे बता सकते हैं कैलकुलेशन ऑफ एग्रीड वैल्यू, एग्रीड वैल्यू मतलब वो तीन टेम्पोस को कितने में लेके गया, तीन टेम्पोस को कितने में लेकर गया, तो वैल्यू ऑफ तीन नहीं सॉरी टू टेम्पोस को कितने में लेके गया, वैल्यू ऑफ टू टेम्पोस वो लगा रहा है 30% के हिसाब से डेप्रिसिएशन, तो दो टेम्पो कितने के थे उसके हिसाब से दी 20, ये बनेगा आपका 1 लाख। वो कहता है भैया मैं 20 नहीं लगाऊंगा, मेरे हिसाब से तो 30% है, तो डेप्रिसिएशन फर्स्ट ईयर का एट द रेट ऑफ 30% कितना हो गया जी, 30,000, वैल्यू रहेगी 70,000, फिर लगाइए आप डेप्रिसिएशन सेकेंड ईयर का एट द रेट ऑफ 30% कितना लगेगा जी बताइए, 30% दैट इज 21,000, तो ये कितना रहेगा, 49,000। वो कहता है 49,000 में जाएगा एसेट, कितने में जाएगा, 49,000 में एसेट जाएगा, बताइए जी 49,000 में एसेट जाएगा। अब मुझे बताइए एक चीज, एसेट कितने में कम हो गया, एसेट चला गया 49,000 में, मुझे बताइए 64,000 का एसेट 49 में चला गया, एक तरीके से एसेट को बेच दिया, 64 का एसेट 49 में चला गया, प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ, ये हो गया आपका लॉस बाय पीएनएल, कितने का लॉस हो गया, ये हो गया आपका 15,000 का लॉस, और यहां पर कितना अमाउंट एडजस्ट हो गया, यहां पर कितना अमाउंट एडजस्ट हो गया, यहां पर हो गया दो टेम्पोस की वैल्यू दैट इज 49,000 एडजस्ट हो गया, कितना अमाउंट एडजस्ट हो गया, 49,000 एडजस्ट हो गया। ठीक है जी, अब आगे कंटिन्यू कर लेते हैं, बताइए पहले ये कैलकुलेशन समझ में आई, ठीक है जी अब आगे कंटिन्यू करते हैं। अब क्या होगा, देखिए दो टेम्पू चले गए, अब एक टेम्पू रह गया, इंटरेस्ट लगेगा, इंटरेस्ट लगा दीजिए, इंटरेस्ट किस पे लगेगा, 87,200 माइनस 49,000। अब ये मत बोलना सर इंटरेस्ट 3600, ये 3600 तो तीन टेम्पू का इंटरेस्ट था, अब तीन में से दो चले भी तो गए ना, तो अब जितना आपका बैलेंस बचा कितना बच गया आपका 38,200, इस पर लगा दीजिए 9%, तो ये आपका निकल के आता है ये आपका आता है 3438। ठीक है जी 3438 इंटरेस्ट लग गया। अब 31
दिसंबर थर्ड ईयर में। अब आप क्या करेंगे, अब आप कुछ भी मान लीजिए, आप मान लीजिए पेमेंट हो गई है, आप मान लीजिए बैलेंस अभी आउटस्टैंडिंग है, मैं मान लेता हूँ पेमेंट हो गई है, टू बैंक, तो कितनी पेमेंट होगी आपका, जो भी अमाउंट है ये आ गया 41638, ये कैसे निकला 38,200 प्लस 3438, ये लास्ट इंस्टॉलमेंट थी। और यहां पर क्या होगा, यहां पर क्या होगा बताइए जी, अब डेप्रिसिएशन लगेगा कितने रुपए की वैल्यू पे, देखिए 96,000 में से, 96,000 में से कितने की वैल्यू के एसेट चले गए, 64 के चले गए, 96 में से 64 के चले गए तो कितने के रह गए, 32,000 रह गए, तो 32,000 का 20% दैट इज 6,400। और आप बोलेंगे बैलेंस सीडी इज योर 25,600, बताइए जी। हाँ जी, क्लियर हुआ क्वेश्चन, बोलिए क्लियर हुआ, तो ये आपका एक एस्पेक्ट है हायर परचेज का, ठीक है जी। अब इसी क्वेश्चन को मैं मान के चलता हूं, अगर इंस्टॉलमेंट सेल का केस होता, इंस्टॉलमेंट सेल का केस होता तो कैसे करते, इन केस ऑफ इंस्टॉलमेंट सेल ट्रांजेक्शन, देखिए इंस्टॉलमेंट सेल ट्रांजेक्शन को इंटरेस्ट सस्पेंस मेथड भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं जी, इंटरेस्ट सस्पेंस मेथड भी बोलते हैं। इसमें अकाउंटिंग में फर्क क्या है, जैसे हायर परचेज में तो क्या था, हम इंटरेस्ट अकाउंट को हर साल लगाते थे, यहां पर क्या होगा, इंटरेस्ट एक ही बार वेंडर अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगा बाय द नेम ऑफ इंटरेस्ट सस्पेंस अकाउंट, भाई जितना भी टोटल इंटरेस्ट है वो एक ही बार क्या होगा, वेंडर अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगा बाय द नेम ऑफ इंटरेस्ट सस्पेंस अकाउंट, और फिर उसके बाद हम इंटरेस्ट सस्पेंस अकाउंट को अमोर्टाइज करते रहेंगे जब तक हमारा कॉन्ट्रैक्ट चल रहा है, ठीक है जी। और रीपोजेशन इसमें, जैसे मैंने बताया था कि रीपोजेशन इसमें होता नहीं है, तो ये तो आसान हो गया। देखिए अगर मैं बनाऊं एसेट अकाउंट, अब मेरे को फिगर्स एक बार बताते रहना, थोड़ा सा याद रखना, एसेट अकाउंट और हमारा बनेगा, एक बनेगा हमारा हायर वेंडर अकाउंट, ये आपका बनेगा वेंडर अकाउंट, और एक आपको बनाना पड़ेगा इंटरेस्ट सस्पेंस अकाउंट। देखो सबसे पहले वन वन फर्स्ट ईयर में टू वेंडर कितना 150, और यहां क्या लिखोगे आप, बाय एसेट 150, उसके बाद आपकी डाउन पेमेंट जाएगी वन वन फर्स्ट ईयर में टू कैश कितनी थी 30,000 थी, ओके। अब होगा क्या, अब यहां पर तो डेप्रिसिएशन नॉर्मल 31 दिसंबर 12 बाय डेप्रिसिएशन कितना, ये हो गया 30,000, और बैलेंस सीडी 120। यहां पर क्या होगा, यहां पर वो कहता है इंटरेस्ट सस्पेंस में एक ही बार में सारा इंटरेस्ट चला जाएगा, किसमें, इंटरेस्ट सस्पेंस अकाउंट में, किसमें जी, इंटरेस्ट सस्पेंस अकाउंट में। मुझे बताएंगे सारा इंटरेस्ट मतलब टोटल इंटरेस्ट, टोटल इंटरेस्ट मींस 10,800 प्लस 7,200 प्लस 3,600, ये कितना बनता है जी, ये हो गया आपका 8 और 2 10 18 18 21,600, 21,600, ये हो गया 21,600, और कॉरेस्पॉन्डिंग डेबिट हो जाएगा किसमें, इंटरेस्ट सस्पेंस अकाउंट में, दैट इज योर 31 दिसंबर 1। कितना होगा, टू हायर वेंडर 21,600, और हर साल अब इसको राइट ऑफ करना शुरू करेंगे, पहले इंस्टॉलमेंट आ गई 31 दिसंबर, टू कैश कितनी इंस्टॉलमेंट थी 50,800, एंड टू बैलेंस सीडी 90,800, और इंटरेस्ट सस्पेंस को आप क्या करेंगे, राइट ऑफ करेंगे, दैट इज आप राइट ऑफ कर दीजिए बाय पीएनएल अकाउंट, जब तक कॉन्ट्रैक्ट चलेगा तब तक राइट ऑफ हो जाएगा, दैट इज पहले साल का था 10,800, और क्या लिखेंगे आप लिखेंगे बैलेंस सीडी, जो बाकी बैलेंस बचा दैट इज 10,800, ठीक है जी। अब सेकेंड ईयर की बात कर लेता हूं, अब बिल्कुल नॉर्मल हो गया क्वेश्चन, वन वन टू बी डी 1,20
सेकेंड ईयर में डेप्रिसिएशन कितना डेप्रिसिएशन था, ये था आपका 24,000 एंड सीडी इज 96,000। ठीक है जी, यहां पर क्या होगा, यहां पर रहेगा 112 में बीडी 90,800। अब इंटरेस्ट दोबारा लगाऊं, आंसर इज नो। और उसने ये भी बोल दिया था कि भैया पेमेंट अब नहीं हो रही है, तो आप लिखेंगे सीडी 90,800, पेमेंट ही नहीं हो रही। ठीक है जी, ये सेकंड ईयर क्लोज हो गया। यहां पर क्या रहेगा, यहां पर इंटरेस्ट को राइट ऑफ करना पड़ेगा, ये होगा 112 बीडी 10,800। 10,800 में कितना राइट ऑफ करोगे, आप राइट ऑफ करोगे बाय पीएनएल अकाउंट, कितना था सेकंड ईयर का इंटरेस्ट, ये था 7,200। 7,200 राइट ऑफ किया एंड सीडी इज जो बचा आपका 3,600। और थर्ड ईयर में अब बताइए, ये रहेगा आपका यहां पर थर्ड ईयर में 31 दिसंबर, थर्ड बीडी बीडी इज 96,000। अब देखिए रीपोजिशन, एक मिनट डेप्रिसिएशन, अच्छा रीपोजेशन। अब मुझे बताइए इंस्टॉलमेंट सेल में रीपोजेशन होता है, आंसर इस कुछ भी नहीं होता, तो ये एज इट इज चलता चला जाएगा, कोई भी परेशानी वाली बात है ही नहीं। कितना हो गया ये 76,800, ये कैरी एस सो ऑन चलता चला जाएगा अकाउंट, और यहां पर भी हमारा एस सो ऑन ये सब चलता ही चला जाएगा। नेक्स्ट ईयर उठा लेंगे बैलेंस बीडी 90,800 और सीडी 90,800। अब देखिए जब केस होगा ना कोर्ट में, जब केस जाएगा तो केस होगा इस बेसिस पर कि भैया 90,800 रुपए लेने हैं, 90,800 रुपए लेने हैं, तो इसको 90,800 तो दिलवाओ दिलवाओ, और जो सेलर होगा वो बोलेगा मेरे जो डैमेजेस हो गए वो डैमेजेस भी दिलवाओ। आपने कॉन्ट्रैक्ट एक्ट वगैरह थोड़ा पढ़ा होगा, दिस इज नोन एज ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, ब्रीच ऑफ वारंटी एंड कंडीशन, तो वो डैमेजेस भी क्लेम कर सकता है। ठीक है जी, और ये अपना नॉर्मली राइट ऑफ होता चला जाएगा। नेक्स्ट ईयर राइट ऑफ कर दीजिए इसे बीडी 3,600 एंड 31 दिसंबर पीएनएल अकाउंट 3,600 एंड सीडी इज 30, सॉरी सीडी तो खत्म ही हो गया, दिस इज योर क्लोज्ड। बताइए जी क्लियर हुआ, हाँ जी, दिस इज योर इंस्टॉलमेंट सेल ट्रांजेक्शन, क्लियर हुआ, हाँ जी। सो ये हमारा चैप्टर था अबाउट हायर परचेज, आई होप आप लोगों को ये क्लियर हुआ होगा। बताइए जी इज दिस क्लियर टू यू, इंपॉर्टेंट चैप्टर है, एग्जाम में क्वेश्चन आता है, पूछ लिया जाता है। चलिए अब हम आगे बढ़ेंगे, दैट इज योर AS 10। अब हमें करना है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 10। देखिए जी, हाँ जी, अकाउंटिंग AS 10, AS 10 का नाम है जी प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, दिस इज द न्यू नेम ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, फिक्स्ड एसेट्स का नया नाम। पहले हमारे पास जो AS 10 हुआ करता था उसका नाम हुआ करता था अकाउंटिंग फॉर फिक्स्ड एसेट्स, उसके बाद क्या हुआ रिवीजन हुई, इंस्टीट्यूट ने AS 10 का नाम चेंज किया प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, और AS 6 जो कि डेप्रिसिएशन अकाउंटिंग हुआ करता था उसको रिमूव कर दिया गया, तो अब ये दोनों के प्रोविजन एक ही स्टैंडर्ड में है, दैट इज योर प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट। अगर मैं थ्योरिटिकल बातें करूं तो ये स्टैंडर्ड नॉट एप्लीकेबल है, किस पर एप्लीकेबल नहीं है, नॉट एप्लीकेबल टू बायोलॉजिकल एसेट्स, जितने भी बायोलॉजिकल एसेट होते हैं, बायोलॉजिकल मीन्स जैसे कि अपना पल्सेस, फिर एनिमल्स, ये सब चीजें, इन पे एप्लीकेबल नहीं है ये। वेस्टिंग एसेट्स, वेस्टिंग एसेट्स में आते हैं हमारे पास माइन वगैरह, इन पर भी ये एसेट, ये एप्लीकेबल नहीं है। बाकी जितने भी हमारे पास बैलेंस प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट है उन सब पे ये AS लगता है, एक्सेप्ट बायोलॉजिकल एसेट एंड वेस्टिंग एसेट। अब बात आती है व्हाट आर पीपीईज,
पीपीई क्या है, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट क्या है? प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट आर दोज टेंजिबल एसेट्स, आर दोज टेंजिबल एसेट्स विच आर हेल्ड फॉर यूज इन प्रोडक्शन ऑफ गुड्स, या तो गुड्स को प्रोड्यूस करने के लिए हम यूज कर रहे हैं, रेंडरिंग ऑफ सर्विसेज, सर्विसेज को रेंडर करने के लिए, या रेंटल के लिए, किसी को रेंट पर देने के लिए, या रेंटल के लिए, और जिनकी लाइफ हैविंग लाइफ मोर देन 1 ईयर, मतलब ये तीन कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए फॉर प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट। प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट क्या है? वो टेंजिबल एसेट है, पहली चीज तो टेंजिबल एसेट होनी चाहिए। दूसरा, हमारे प्रोडक्शन ऑफ गुड्स में, रेंडरिंग ऑफ सर्विसेज में, या रेंटल्स वगैरह के लिए ये एसेट यूज होना चाहिए, और उनकी लाइफ 1 साल से ज्यादा की होनी चाहिए। अब मैं कुछ एग्जाम्पल लेता हूँ। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मशीनरी हो गया, कंप्यूटर हो गया, कैमरा हो गया, ये सब टेंजिबल भी है, मशीनरी वगैरह प्रोडक्शन में भी यूज हो रही है, और 1 साल से ज्यादा की भी लाइफ है, तो ये हमारे क्या बन जाएंगे? प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट। लैंड, लैंड बताइए क्या लैंड टेंजिबल है? आंसर इज लैंड टेंजिबल है। क्या लैंड का यूज होगा? ठीक है जी, फैक्ट्री वगैरह लगा सकते हैं। लैंड की लाइफ 1 साल से ज्यादा है, बिल्कुल है, तो लैंड भी हमारा क्या बन जाएगा? प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट बन जाएगा। बिल्डिंग, फर्नीचर, वो भी ये तीनों कंडीशन सेटिस्फाई करता है। सॉफ्टवेयर, सॉफ्टवेयर की अगर मैं बात करूं तो सॉफ्टवेयर कह सकता हूं कि मैं अपनी सर्विसेज को रेंडर करने के लिए यूज करूंगा, 1 साल से ज्यादा की भी लाइफ हो सकती है, लेकिन वो टेंजिबल एसेट नहीं है। सॉफ्टवेयर क्या नहीं है? टेंजिबल एसेट नहीं है, तो वो प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट नहीं है। उसके लिए स्पेसिफिक एएस होता है, दैट इज योर इनटेंजिबल एसेट, AS 26। अगला एग्जाम्पल स्टॉक, स्टॉक बताइए क्या स्टॉक टेंजिबल है? बिल्कुल सर, टेंजिबल है, लेकिन 1 साल से ज्यादा की लाइफ भी हो सकती है, लेकिन उसको प्रोडक्शन के लिए यूज नहीं करता। स्टॉक को क्या यूज किया जाता है? दीज आर हेल्ड फॉर सेल। तो स्टॉक हमारा प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट नहीं है। उसके ऊपर कौन सा लगता है जी? अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2 लगता है, वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंटरीज का। ओके, अगला पॉइंट आ सकता है इसमें, रिकॉग्निशन प्रिंसिपल। कि पीपीई रिकॉग्नाइज करने के लिए हमें 2 कंडीशन को सेटिस्फाई करवाना पड़ेगा। पहली कंडीशन इज देयर इज फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट, कि जो भी हमारा पीपीई है उसमें फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट फ्लो होना चाहिए एंटिटी को। एंड दूसरा, कॉस्ट इज मेजर्ड रिलायबली, कॉस्ट इज मेजर्ड रिलायबली। 2 कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए, दैट देयर मस्ट बी सम फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट दैट फ्लो टू द एंटरप्राइज, एंड कॉस्ट इज मेजर्ड रिलायबली। फॉर एग्जाम्पल, मैंने कोई टाइपराइटर खरीद लिया, जैसे कि मैंने कोई टाइपराइटर खरीद लिया, क्या टाइपराइटर की कोई कॉस्ट है? बिल्कुल सर, पैसे दिए, कॉस्ट है उसकी, लेकिन क्या उसका फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट है? आंसर इज नो। तो आप उसको प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट रिकॉग्नाइज नहीं करोगे, एक्सपेंस ऑफ कर दोगे, खर्चा मान के खत्म करोगे। अब रिकॉग्निशन कैसे होगा? रिकॉग्निशन ऑफ पीपीई, ऊपर तो देखा था मैंने रिकॉग्निशन प्रिंसिपल कि ये कंडीशन सेटिस्फाई होनी मस्ट है। अब ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होगी तो अब हाउ टू रिकॉग्नाइज, उसके हमें देखना पड़ेगा कि हमारा पीपीई क्या है। अगर हमने पीपीई को परचेज किया है, परचेज्ड पीपीई, परचेज पीपीई, तो उसकी वैल्यू कैसे निकलेगी, कॉस्ट कैसे निकलेगी? उसकी कॉस्ट निकलेगी परचेज प्राइस, दैट इज आफ्टर रिबेट एंड डिस्काउंट, आफ्टर रिबेट्स, आफ्टर डिस्काउंट, इसके बाद जो परचेज प्राइस आया, प्लस करोगे इसमें क्या? प्लस करोगे वो टैक्सेस विच आर नॉन रिफंडेबल। नॉन रिफंडेबल मतलब गवर्नमेंट उसका बेनिफिट नहीं देगा, जैसे कस्टम ड्यूटी, इंपोर्ट ड्यूटी वगैरह। जीएसटी इसमें नहीं आएगा, क्योंकि जीएसटी का आईटीसी इनपुट टैक्स क्रेडिट मिल जाता है। उसके बाद डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल एक्सपेंस, डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल एक्सपेंस, जैसे कि जो एक्सपेंस हमारे नेसेसरी है टू मेक द एसेट रेडी फॉर यूज, उसकी मशीनरी की इरेक्शन कराना, मशीनरी की इंस्टॉलेशन कराना, मशीनरी की टेस्टिंग वगैरह कराना, ये सब क्या होता है? डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल एक्सपेंस। उसके बाद इसमें बोरिंग कॉस्ट भी आ सकती है। बोरिंग कॉस्ट मीन्स हमने एसेट खरीदने के लिए कोई लोन वगैरह लिया था, वो बोरिंग कॉस्ट, दैट इज डेट ऑफ बोरिंग से लेकर, डेट ऑफ बोरिंग से लेकर टिल इट इज रेडी फॉर यूज,
मतलब कंस्ट्रक्शन पीरियड में जितना भी इंटरेस्ट लगा है, एसेट को कंस्ट्रक्ट करने में जितना भी इंटरेस्ट लगा है या परचेज करने में जितना भी इंटरेस्ट लगा है, वो सारा का सारा कैपिटलाइज हो जाएगा। ये प्रोविजन आप अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 16 AS 16 बोरिंग कॉस्ट में भी पढ़ेंगे, क्योंकि इसको बोला जाता है क्वालिफाइंग एसेट। ठीक है, अभी आऊंगा क्वालिफाइंग एसेट पे जब हम AS 16 पढ़ेंगे। और साथ में एक नया प्रोविजन ऐड होता है, इनिशियल डिसमेंटलिंग ऑब्लिक डीकमीशनिंग कॉस्ट, डिसमेंटलिंग योर डीकमीशनिंग कॉस्ट, ये हमारी बनेगी कॉस्ट ऑफ पीपीई, दिस इज योर कॉस्ट ऑफ प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट। अब बात आती है, सर ये क्या है इनिशियल डिसमेंटलिंग और डीकमीशनिंग कॉस्ट क्या है? देखिए कई बार क्या होता है, आपने कोई एसेट कंस्ट्रक्ट किया या एसेट परचेज किया, गवर्नमेंट बोलती है कि भैया ये एसेट एनवायरमेंट को खराब कर सकता है, तो जब आपका इस्तेमाल खत्म हो जाए, जब आपका यूज खत्म हो जाए इस एसेट का, तो यू हैव टू डिस्कार्ड दिस एसेट, आपको इस एसेट को डिस्कार्ड करना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल कोई मशीनरी है जिससे पॉल्यूशन हो रहा है, अब भैया बिजनेस करना है तो वो मशीनरी लगानी जरूरी है, तो हमने गवर्नमेंट से परमिशन ली, तो गवर्नमेंट ने बोला जैसे ही आपका यूज खत्म हो जाए, इसकी लाइफ खत्म हो जाए, यू हैव टू डिस्कार्ड कंप्लीटली डिस्ट्रॉय दिस एसेट। अब बताइए डिस्ट्रॉय करने में भी खर्चा आएगा, आज मैंने एस्टिमेट किया कि भैया डिस्ट्रॉय करने में 10 लाख रुपए का खर्चा आ सकता है, वो 10 लाख रुपए का खर्चा क्या कहलाएगा जी? डी कमिशनिंग कॉस्ट। मैं एक प्रोविजन बना दूंगा जिसे बोलूंगा प्रोविजन फॉर डी कमिशनिंग, इसकी एंट्री क्या डालूंगा, मैं डालूंगा एसेट अकाउंट डेबिट। अब पेमेंट आज नहीं कर रहा तो मैंने क्या बना दिया, प्रोविजन टू, प्रोविजन कितने से, 10 लाख रुपए से। वो अमाउंट जो 10 लाख रुपए का मैंने प्रोविजन बनाया, वो मेरा खर्चा नहीं है, वो मेरी एसेट की कॉस्ट में ऐड हो जाएगा, बिकॉज दिस इज नेसेसरी एक्सपेंस फॉर द एसेट, जरूरी था वो खर्चा, इसलिए मैंने उसको ऐड कर दिया। क्लियर है जी? तो ये है, अगर मैंने कोई प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट परचेज किया है तो मेरी परचेज कॉस्ट या कॉस्ट ऑफ द पीपीई किस तरीके से निकलेगी। उसके बाद आता है, अगर मैं कोई प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट को कंस्ट्रक्ट कर रहा हूं, सेल्फ कंस्ट्रक्टेड पीपीई, सेल्फ कंस्ट्रक्टेड पीपीई में क्या क्या आएगा मेरे पास बताइए? इसमें आएगी इसकी एक्चुअल कॉस्ट, कितना एक्चुअली में खर्चा लग रहा है उस पर, प्लस एलोकेटेड ओवरहेड्स, जितने खर्चे मैं इस पे एलोकेट कर सकता हूं। जैसे कि एक्चुअल कॉस्ट में तो भैया मटेरियल कॉस्ट, लेबर कॉस्ट और भी हमारे इनडायरेक्ट मटेरियल वगैरह वगैरह, ये सब जो खर्चे आ गए वो एक्चुअल कॉस्ट होगी। एलोकेटेड ओवरहेड, जैसे कि डेप्रिसिएशन, एक बिल्डिंग बनाने के लिए मेरी अपनी कोई मशीनरी इस्तेमाल हो रही है, तो उस मशीनरी का कितना पोर्शन या कितना टाइम उस मशीनरी को मैं उस एसेट के लिए इस्तेमाल कर रहा हूं, उतना प्रोपोर्शनेटली मेरा क्या बन जाएगा, डेप्रिसिएशन लग जाएगा, जिसको बोलते हैं एलोकेटेड ओवरहेड। जैसे कि मान के चलते हैं कि लेबर है मेरी, फॉर एग्जाम्पल लेबर कॉस्ट है मेरी टोटल 1 लाख रुपए, और इस 1 लाख का मैं लेबर का 10% हिस्सा एसेट को कंस्ट्रक्ट करने के लिए यूज करता हूं, तो ये एलोकेटेड ओवरहेड कितने कहलाएंगे जी? 10,000 रुपए कहलाएंगे। ठीक है जी, ओके, दिस इज योर सेल्फ कंस्ट्रक्टेड का केस। अगर मैं खुद कंस्ट्रक्ट कर रहा हूं, होता है ना कई बार अपनी बिल्डिंग हम खुद ही कंस्ट्रक्ट करवा रहे हैं, तो ये बोलते हैं हमारे सेल्फ कंस्ट्रक्टेड प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट। अगर मेरे एक्सचेंज पीपी ही है, भाई एक एसेट के बदले में दूसरा एसेट खरीद रहा हूं, एक एसेट के बदले में दूसरा एसेट खरीद रहा हूं, तो क्या होगा? जब मैंने अपने प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट को एक्सचेंज करा दिया, तो एक्सचेंज के केस में फेयर वैल्यू पे मेरे को रिकॉर्ड करना पड़ेगा, फेयर वैल्यू ऑफ पीपीई लेनी पड़ेगी, फेयर वैल्यू ऑफ पीपीई लेनी पड़ेगी। मतलब फॉर एग्जाम्पल मैंने अपना गोल्ड देकर, अपना सोना देकर कोई मशीनरी खरीदी, गोल्ड देकर कोई मशीनरी खरीद ली, तो मैं मशीनरी को किस प्राइस पर रिकॉर्ड करूंगा? मशीनरी को मैं रिकॉर्ड करूंगा एट द व्हाट, एट फेयर वैल्यू ऑफ दैट मशीनरी, इफ कंडीशन क्या है, इफ सच ट्रांजेक्शन हैज अ कमर्शियल सब्सटेंस, मतलब वो ट्रांजेक्शन जेन्युइन नेचर की होनी चाहिए, एज अ कमर्शियल सब्सटेंस। अगर कमर्शियल सब्सटेंस नहीं है तो फिर मैं एसेट को रिकॉर्ड करूंगा बुक वैल्यू ऑफ ओल्ड एसेट, बुक वैल्यू ऑफ पुराने एसेट पे। जैसे कि एग्जांपल लेके चलता हूं, मान लो एक एग्जांपल देखते हैं, मेरा गोल्ड था, गोल्ड की वैल्यू थी, बुक वैल्यू थी 4 लाख रुपए की, गोल्ड की वैल्यू कितनी थी कि 4 लाख रुपए की थी। गोल्ड को एक्सचेंज कराकर मैंने एक मशीनरी खरीद ली जिसकी फेयर वैल्यू है कितने की, 5 लाख रुपए की। ये 5 लाख रुपए क्या है, फेयर वैल्यू, बताइए सॉल्यूशन।
अगर कमर्शियल सब्सटेंस है, अगर कमर्शियल सब्सटेंस है, इफ कमर्शियल सब्सटेंस इज प्रेजेंट, तो मैं रिकॉर्ड कैसे करूंगा? मैं एंट्री डालूंगा मशीनरी अकाउंट डेबिट टू गोल्ड, कितने रुपए से एंट्री डालूंगा भैया? मशीनरी को रिकॉर्ड करूंगा मैं फेयर वैल्यू 5 लाख पे, और गोल्ड मेरा कितना गिर गया? 4 लाख रुपए का, और 1 लाख रुपए का मैं क्या बोलूंगा? 1 लाख रुपए का मेरा क्या हो गया? प्रॉफिट हो गया। ये है अगर जेन्युइन केस है, जेन्युइन ट्रांजेक्शन है, कमर्शियल सब्सटेंस है। लेकिन अगर कोई जबरदस्ती की ट्रांजेक्शन है, नॉट कमर्शियल सब्सटेंस, होता है ना कभी कभी जबरदस्ती में हमें कोई ट्रांजेक्शन करनी पड़ गई, पैसे की रिक्वायरमेंट थी हमने ट्रांजेक्शन कर दी, मशीनरी की रिक्वायरमेंट थी मैंने ट्रांजेक्शन कर दी, तो क्या बनेगा? तो मैं मशीनरी को रिकॉर्ड करूंगा एट बुक वैल्यू ऑफ द गोल्ड, जो मैंने गोल्ड दिया 4 लाख रुपए की रिकॉर्ड करूंगा। भैया देखिए, जब कमर्श जब जेन्युइन ट्रांजेक्शन नहीं, तो आप अपना प्रॉफिट रिकॉग्नाइज कर ही सकते, ठीक है जी? ओके बताइए जी। तो ये हमारे केसेस होते हैं रिकॉग्निशन ऑफ पीपीई, कि या तो परचेज हो सकता है, या कंस्ट्रक्टेड हो सकता है, या फिर क्या हो सकता है आपका, एक्सचेंज्ड एसेट हो सकता है। क्लियर है जी? उसके बाद आता है अगर आप कोई सब्सीक्वेंट एक्सपेंडिचर करते हैं, सब्सीक्वेंट एक्सपेंडिचर ऑन पीपीई, अगर आप पीपीई पे कोई बाद में खर्चा करते हैं, सब्सीक्वेंट एक्सपेंडिचर, तो आप सब्सीक्वेंट एक्सपेंडिचर को कैपिटलाइज कर देंगे। कैपिटलाइज मतलब एड इन वैल्यू ऑफ एसेट, और ये कब कैपिटलाइज करेंगे? इफ इट इंप्रूव्स एफिशिएंसी, अगर उस एसेट से प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट की एफिशिएंसी बढ़ेगी। फॉर एग्जांपल, मेरे पास मशीनरी है, मैंने मशीनरी का कोई पार्ट खरीदा और मुझे लगता है कि वो पार्ट बहुत जरूरी था, उस पार्ट खरीदने की वजह से मेरी प्रोडक्शन बढ़ जाएगी, तो वो पार्ट की जो कॉस्ट होगी वो मैं पीपीई में क्या कर दूंगा जी? कैपिटलाइज कर दूंगा। अब देखते हैं अगला पार्ट इसका, डेप्रिसिएशन। देखिए, डेप्रिसिएशन की भी प्रोविजन इसी स्टैंडर्ड में डाल दिए गए इंस्टीट्यूट ने, डेप्रिसिएशन ऑन पीपीई। डेप्रिसिएशन का क्या कहता है वो, कि भैया डेप्रिसिएशन हर साल लगेगा, ये तो पता ही है सर, एवरी ईयर हर साल लगता है डेप्रिसिएशन। ओके, लेकिन मेन पॉइंट क्या है कि डेप्रिसिएशन लगेगा ऑन कॉम्पोनेंट बेसिस, ऑन कॉम्पोनेंट बेसिस, मतलब एक एसेट को हम ब्रेक करेंगे उसके मेजर मेजर कंपोनेंट्स में। जैसे अगर मैं एक एयरक्राफ्ट की बात करूं, तो एयरक्राफ्ट के मेजर कंपोनेंट हो सकते हैं उसकी बॉडी, उसका इंजन, उसका स्ट्रक्चर, तो ये सब क्या हो गया? इसके कंपोनेंट, और हर कंपोनेंट की हमें लाइफ देखनी पड़ेगी, कंपोनेंट की बेसिस पे, लाइफ बेसिस पर, हर कंपोनेंट की कितनी कितनी क्या है लाइफ है, उस हिसाब से हम क्या करेंगे? डेप्रिसिएट करते चले जाएंगे। और डेप्रिसिएशन कब से लगना शुरू होगा? व्हेन एसेट इज रेडी फॉर यूज। देखो, एक टर्म होती है पुट टू यूज और एक होती है रेडी फॉर यूज। मुझे बताइए, डेप्रिसिएशन कब से लगना चाहिए? जब एसेट तैयार है इस्तेमाल करने के लिए। पुट टू यूज का कंसेप्ट चलता है इनकम टैक्स में, ठीक है? हमें अगर अकाउंटिंग की बात करूं, तो अकाउंटिंग में पुट टू यूज कुछ नहीं होता, वो कहता है कि जैसे ही एसेट रेडी फॉर यूज है, अब वो आपकी गलती है कि आप इस्तेमाल कर रहे हैं नहीं कर रहे, एसेट विल स्टार्टिंग डेप्रिशिएट, ठीक है जी? तो कॉम्पोनेंट वाइज हो गया। और डेप्रिसिएशन के लिए आपको डेप्रिसिएशन मेथड चाहिए होता है, मेथड चाहिए होता है, यूजफुल लाइफ, ये सब प्रेडिक्शन करनी पड़ती है, यूजफुल लाइफ की प्रेडिक्शन करनी पड़ती है, एक आपको साल्वेज वैल्यू या रेजिडुअल वैल्यू निकालनी पड़ती है। अब ये मैनेजमेंट की डिसीजन है, मैनेजमेंट का क्या है? डिसीजन है, इसको चेंज भी कर सकते हैं, दीज कैन बी चेंज, और चेंज ये रहेगा आपका प्रोस्पेक्टिव नेचर का। क्या रहेगा? प्रोस्पेक्टिव मतलब जब आप चेंज कर रहे हैं उसी दिन से आपका अकाउंटिंग इफेक्ट चेंज होगा, सिर्फ आपको थोड़ा सा ये बताना पड़ेगा इंपैक्ट क्या रहेगा फाइनेंशियल स्टेटमेंट में। ये हमारा AS5 की बातें हैं। तो मैं चेंज की अगर मैं बात करूं, तो चेंज आपका क्या रहेगा? प्रोस्पेक्टिव बेस पे रहेगा। इसको क्या बोलेंगे हम? चेंज इन अकाउंटिंग एस्टिमेट। चाहे उसका मेथड चेंज हो जाए, चाहे उसकी यूजफुल लाइफ चेंज हो जाए, चाहे उसकी रेजिडुअल वैल्यू चेंज हो जाए, इसको बोलते हैं चेंज इन अकाउंटिंग एस्टिमेट, एंड दिस चेंज विल बी प्रोस्पेक्टिव इन नेचर। क्लियर है जी? डेप्रिसिएशन। ओके, एंड लास्ट पॉइंट इज योर रीवैल्यूएशन, रीवैल्यूएशन ऑफ पीपीई। पीपीई को रीवैल्यूएशन भी कर सकते हैं। देखिए, पीपीई को रिकॉग्नाइज करने के लिए आपके पास दो मॉडल है, एक होता है आपका कॉस्ट मॉडल, जो हमने अभी पीछे देखा कि कॉस्ट कैसे कैलकुलेट हो रही है, और एक होता है रीवैल्यूएशन मॉडल। रीवैल्यूएशन मॉडल कहता है कि हर साल आप अपने एसेट की वैल्यू को चेक करोगे और उसको रीवैल्यू करके चलोगे। रीवैल्यू करने की एंट्री क्या होगी? अगर अपवर्ड रिवैल्यूशन रहेगा, अगर क्या रहेगा जी? अपवर्ड रिवैल्यूशन रहेगा, तो अपवर्ड के केस में आप एंट्री डालोगे एसेट अकाउंट डेबिट
टू रीवैल्यूएशन रिजर्व, क्योंकि आपका प्रॉफिट नहीं होता, ये आपका रीवैल्यूएशन रिजर्व रहता है। और अगर डाउनवर्ड रीवैल्यूएशन रहेगा तो डाउनवर्ड के केस में आप अपने पीएनएल से चार्ज करेंगे, दैट इज पीएनएल अकाउंट डेबिट टू एसेट अकाउंट। और अगर आपके पास पहले से रीवैल्यूएशन रिजर्व था तो पहले रीवैल्यूएशन रिजर्व को यूज करेंगे, देन पीएनएल अकाउंट। ठीक है, दिस इज योर रीवैल्यूएशन मॉडल। और अगर मैं इसके डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट की बात करूं तो क्या क्या हमें डिस्क्लोज करना होता है एसेट के, आपको एक एसेट का चार्ट बनाना होता है, उसमें उसकी ग्रॉस बुक वैल्यू, उसकी कॉस्ट, उसका एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, उसकी परचेज, उसकी डिलीशंस, डेप्रिसिएशन का क्या मेथड फॉलो कर रहे हैं, यूजफुल लाइफ क्या है आपकी, रेजिडुअल वैल्यू आपने क्या प्रेडिक्ट करी है। और अगर रीवैल्यूएशन मॉडल फॉलो करें तो आपको ये फैक्ट भी डिस्क्लोज करके चलना पड़ेगा। दिस इज योर AS 10 प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट। हाँ जी, आई होप सो आप लोगों को समझ में आया होगा। तो आज हमने क्या क्या रिवाइज किया, आज हमने देखा हायर परचेज एट AS 10। बताइए जी, क्लियर हुआ या नहीं? चलिए, कोई भी क्वेरी हो, कोई भी दिक्कत हो सर, नीचे कमेंट बॉक्स होता है उसमें कमेंट किया कीजिए, मुझे बताइए, मुझे बताया करिए कि सर क्या, अगर आपको मेरे पढ़ाने में कुछ लगता है कि सर थोड़ा सा तरीका चेंज कर ले तो मुझे जब तक बताओगे नहीं तो पता कैसे लगेगा। तो आप प्लीज 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 इसमें नीचे कमेंट जरूर किया कीजिए, ताकि मुझे अगर मेरी कुछ कमी है तो मुझे वो पता लग पाए। ठीक है, और आपका कुछ स्पेसिफिक डाउट है या कुछ अगर आपको लगता है कि सर ये टॉपिक पे ज्यादा फोकस कर दो तो कमेंट बॉक्स में आप मुझे बता सकते हैं, पर्सनल डिटेल्स भी है उस पर भी दे सकते हैं, कमेंट्स बताएंगे तो वो ज्यादा सही रहेगा, मैं इजिली उसको रीड कर पाऊंगा। ठीक है जी, ओके। अच्छा, आगे का टारगेट मैं आपको बता देता हूँ, नेक्स्ट वीडियो आपको जो नेक्स्ट वीडियो मिलेगी, आज हो गया थर्सडे, 4 दिन का मैं आपको टाइम दे रहा हूं, नेक्स्ट वीडियो आपको मिलेगी ट्यूसडे को, कमिंग ट्यूसडे को, आज हो गया थर्सडे, तो नेक्स्ट वीडियो आपको मिलेगी कमिंग ट्यूसडे को। और ट्यूसडे को आपको जो टॉपिक्स करके रखने हैं, दैट इज योर रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर्स और अकाउंटिंग स्टैंडर्ड AS 1 कर लीजिए, 11 कर लीजिए, 16 कर लीजिए, ये 4 टॉपिक हम रिवाइज करेंगे। ये थोड़ा सा बड़ा टॉपिक है, ये छोटे छोटे से टॉपिक है। ठीक है जी, तो रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर AS 1 एंड 16, देखो मैंने आपको 4 दिन दिए हैं इसको रिवाइज करने के लिए। हाँ जी, 4 दिन दिए रिवाइज करने के लिए, 4 दिन में आप अभी तक जितना किया है वो भी अच्छे से रिवाइज कीजिए और इन 4 चैप्टर्स को भी अच्छे से रिवाइज करके चलिए। ठीक है सर, ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना आपको, पढ़ाई पे फोकस कीजिए सर, पढ़ाई ही आपको कुछ ना कुछ लाइफ में दिलवा सकती है। मेरा पर्सनल ये मानना है आज के टाइम में सर पढ़ाई बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो चुकी है। अगर आपको लाइफ में कुछ करना है, कुछ आगे बढ़ना है, अपने माता पिता का नाम रोशन करना है, तो सर जो आपने ये डिग्री चूज कर ली है बहुत रिस्पेक्टफुल डिग्री है, इसकी लाज रखनी आप लोगों को, तो अच्छे से पढ़ाई कीजिए। कोई दिक्कत परेशानी आती है तो सर मैं बैठा हूँ, मुझसे शेयर कीजिए। ठीक है जी, चलिए फिर मिलेंगे अगली वीडियो में, टिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, बाय बाय।